हेलो गाइस, ये कहानी एक ऐसी टीचर की है जो अपनी खुदाई और हवस मिटाने के लिए अपने स्टूडेंट के साथ रिलेशन में आती है। मूवी की स्टार्टिंग में हम लिली को देखते हैं जो एक स्कूल में टीचर होती है। उसका अभी अभी डायवोर्स हुआ होता है और वो दूसरे शहर के स्कूल में पढ़ाने आई होती है। उसका नेचर बहुत ही स्वीट होता है, इसीलिए सभी उसका वेलकम करते हैं। उसके बाद हमें जेसन को दिखाया जाता है, वो उसी स्कूल में पढ़ता है जहाँ लिली पढ़ाने आई होती है। जेसन पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमजोर होता है और वो अपनी पॉकेट मनी निकालने के लिए ड्रग सप्लाई किया करता था। आज लिली का स्कूल में पहला दिन होता है, वहीं पर वो स्कूल के जिम टीचर से मिलती है और क्लास का टाइम होता है। तभी जेसन भी वहां आ जाता है और लिली अपने आप को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। रात को लिली अपनी मदर को कॉल करती है। उसकी फैमिली में उसकी एक मदर और उसका एक भाई भी होता है। लिली की मॉम उसकी बहुत ही चिंता करती थी। अगले दिन जेसन लिली से अपने होमवर्क के लिए हेल्प मांगता है, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में जेसन के मार्क्स काफी बुरे आए होते हैं और लिली भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। एक दिन स्कूल में सभी स्टूडेंट अपनी पोएट्री सुना रहे होते हैं, तभी पोएट्री सुनाने की बारी जेसन की आती है। लिली को जेसन की पोएट्री इतनी पसंद आती है कि वो उसमें खो ही जाती है। अगले दिन मैथ्यू स्कूल में लिली से मिलता है और उसे क्लब में आने के लिए इनवाइट करता है, तो लिली भी मान जाती है और जाने के लिए हाँ कर देती है। और स्कूल खत्म होने के बाद रोज लिली जेसन को आधे घंटे पढ़ाया करती थी, इसीलिए वो अब आपस में घुलने मिलने लगे थे और अब वो एक दूसरे से ऐसी बात करते थे जैसे वो दोस्त हों। और लिली जेसन को काफी पसंद करने लगी थी। रात को लिली मैथ्यू के साथ क्लब में जाती है और वो दोनों खूब इंजॉय करते हैं। और इस क्लब में जेसन भी ये सब देख रहा होता है, वो फील करने लगता है। लिली ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और इसलिए मैथ्यू उसे कार में घर भेज देता है। अगले दिन हम देखते हैं जेसन क्लास में नहीं आया होता और लिली को उसकी कमी खल रही होती है। और जब क्लास का टाइम ओवर होता है तब जेसन क्लास में आता है। लिली कहती है, आज तुम स्कूल में लेट क्यों आए हो? वो कहती है, अगर तुम ऐसा करते रहोगे मैं तुम्हारे पीछे अपना टाइम खराब नहीं करूंगी। ये सुनकर जेसन उससे सॉरी कहता है और दोबारा ऐसा ना करने का वादा करता है। रात को लिली अपनी मॉम से फोन पर बात कर रही होती है, तभी उसके दरवाजे पर कोई आया होता है। वो जेसन होता है और उसके मुंह से काफी खून निकल रहा होता है। वो अपने दोस्तों से लड़ाई करके आया होता है। जेसन की ऐसी हालत देखकर लिली उसे अंदर ले लेती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। उसके बाद जेसन वहां से जाने लगता है तो लिली उसे अपनी कार से उसके घर ड्रॉप करने चली जाती है। बाहर बारिश हो रही होती है और रास्ते में जेसन एक जगह कार रोकने को कहता है और बाहर निकलकर वो लिली को भी बाहर बुलाता है और फिर वो दोनों गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। तभी जेसन लिली को अपने साथ डांस करने को कहता है और धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है। वो लिली को टच करने लगता है लेकिन लिली पीछे हट जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है और उसके घर पर ड्रॉप कर देती है और उससे कहती है कि आज बात बहुत आगे बढ़ गई थी, ये सब मेरी गलती है, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। एक तरफ लिली जेसन को पसंद तो करती थी लेकिन उसे गिल्ट फील होता था क्योंकि जेसन उसका स्टूडेंट होता है और वो उससे काफी छोटा भी था। एक दिन मैथ्यू और लिली भी क्लब में आए होते हैं। मैथ्यू लिली को पसंद करता था और लिली भी ये सब जानती थी, पर अभी तक मैथ्यू ने लिली को प्रपोज नहीं किया था। और इस क्लब में जेसन भी होता है। तभी लिली बाथरूम जाती है और जेसन भी उसके पीछे चला जाता है, उसे किस करने लगता है और लिली भी उसे नहीं रोकती और उसका साथ देती है, लेकिन तभी वो उसे धक्का दे देती है और क्लब से चली जाती है। जब लिली घर पहुंचती है तो थोड़ी देर बाद जेसन उसके घर का दरवाजा खटखटाता है और लिली दरवाजा खोल देती है। यहाँ भी लिली जेसन को समझाती है कि हमें ये सब रोकना होगा, लेकिन जेसन धीरे धीरे लिली के पास आता है और उसे सेड्यूस करने लगता है और अब लिली भी खुद को रोक नहीं पाती और उसका साथ देने लगती है। उसके बाद वो लोग इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह लिली जेसन से कहती है कि रात को हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगे और अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। जेसन कहता है ठीक है और अब क्लास के बाद लिली जेसन को पढ़ा रही होती है तो जेसन उसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है। उसे लव और लव के बीच का फर्क नहीं पता था और अब जेसन और लिली रिलेशन में होते हैं और वो दोनों काफी खुश होते हैं। एक दिन जब लिली स्कूल में अपना काम कर रही होती है तभी मैथ्यू वहां आता है और लिली का रेप कर देता है क्योंकि उसे वो नहीं जेसन पसंद होता है। रात को जब जेसन लिली के घर आता है तो वो रो रही होती है। जेसन उससे पूछता है क्या हुआ, तब लिली उसे सब कुछ बता देती है। इस बात से गुस्सा होकर अगले दिन जेसन मैथ्यू से लड़ाई कर लेता है जिसके बाद जेसन को भी जेल हो जाती है, लेकिन उसकी मॉम उसे छुड़ा लेती है। तभी लिली वहां आ जाती है, वो जेसन से बात करना चाहती थी लेकिन जेसन की मॉम उसे बात नहीं करने देती और उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है। अगले दिन लिली अपना सामान पैक कर चुकी होती है तभी जेसन वहां आता है। उसे लगता है कि वो उसके साथ कहीं भागने के लिए तैयार हो चुकी है लेकिन लिली अकेली ही जा रही होती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारा अभी बहुत फ्यूचर बाकी है, तुम्हें मेरे चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। जेसन उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है और कहता है मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और शहर छोड़कर चली जाती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।